हेलो गाइस, दिस कुशाग्री। वेलकम टू कुशाग्री स्टैंड अप फॉर एक्सलेंस। सो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th सिविक्स एंड एनसीईआरटी का चैप्टर 2, व्हाई, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। सो ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले देखिए डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी क्या है, एक सिंपल सी डेफिनेशन देखिए, सिंपल डेफिनेशन समरी में जो डेफिनेशन देती है, सिर्फ सेम ही डेफिनेशन है, सो उसे देखते हैं। सो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट Democracy is the form of government in which rulers elected by the people. ठीक है, so ये क्या है, ये democracy की एक definition है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की एक फॉर्म है जिसमें क्या होते हैं, रूलर्स इलेक्टेड होते हैं, किस बाय द पीपल, पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं उसमें रूलर्स। ठीक है, अब जैसे कि आप सबको पता है गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट ही ये देखती है कि डेमोक्रेसी बनानी है या नहीं। ठीक है, सो गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, गवर्नमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है डेमोक्रेटिक एक होती है नॉन डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक नॉन डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो जहां जिससे क्या होते हैं, जिस गवर्नमेंट को पीपल पीपल चूज करते हैं, जिस गवर्नमेंट को पीपल चूज करते हैं। ठीक है, अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि उसमें पीपल चूज नहीं करते हैं उस गवर्नमेंट को, यानी कि जैसे गवर्नमेंट बनानी है तो गवर्नमेंट बनानी है तो क्या गवर्नमेंट उसमें अपने आप बन जाती है, तो वो क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या, जिसमें पीपल पीपल क्या करते हैं, अपने रूलर को इलेक्टेड करते हैं और क्या गवर्नमेंट बनती है। सो अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी बनाती है। ठीक है, राइट, क्लियर हुआ ये गवर्नमेंट के टाइप, कितने टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, दो टाइप की गवर्नमेंट पढ़ी हमने। ठीक है, अब आते हैं कि अब फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, क्या फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, अब फीचर क्या क्या होते हैं डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी के फीचर 4 फीचर्स होते हैं। सो उन फीचर को हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट फीचर शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका, पाकिस्तान का। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम पाकिस्तान का, तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या हुआ कि 1999 में यहाँ पे मिलिट्री कूप हुई, क्या मिलिट्री कूप हुई, यहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ, जब यहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ सो क्या हुआ, जब यहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ तो ये मिलिट्री को किया किसने था, परवेज मुशर्रफ ने ये मिलिट्री को किया था। अब परवेज मुशर्रफ ने कब किया था, 1999 में ये मिलिट्री को किया, फिर वो क्या बन गया, उसने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दिया, क्या गवर्नमेंट ज्योति, गवर्नमेंट ज्योति उसे क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड।
ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। अब जब गवर्नमेंट को डिक्लेयर्ड कर दिया परवेज मुशर्रफ ने, क्योंकि क्यों करा गवर्नमेंट को डिक्लेयर्ड, क्योंकि उसने क्या करा था, मिलिट्री कूप किया था। अब जब परवेज मुशर्रफ ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को डिक्लेयर्ड करा, सो फिर वो क्या बन गया, वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया वहां का, चीफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव बन गया वहां का, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव वहां का बन गया ये परवेज मुशर्रफ, ठीक है। जब ये वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया, फिर 2002 में क्या हुआ, यहाँ पे 2002 में ये क्या बन गया, परवेज मुशर्रफ जो था ये प्रेसिडेंट बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, नहीं प्रेसिडेंट बना नहीं, उसे प्रेसिडेंट वो अपने आप बना, क्योंकि जब वो अपने आप क्यों बना, क्योंकि इसने क्या करा था, मिलिट्री को, अब इसे तो रूलर्स चुन नहीं सकते थे, ठीक है, फिर लीगल फॉर्मिंग पाकिस्तान पर उसने क्या लगा दी, लीगल फॉर्मिंग लगा दी, क्या, लीगल फॉर्मिंग, ठीक है। अब फिर इससे क्या पता चलता है, अब इस एग्जांपल से, इस एग्जांपल से क्या, हमारा जो फर्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी, फर्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का, वो आता बन के आता है। अब इससे कैसा बन के आता है, अब जो ये परवेज मुशर्रफ था, क्या इसने क्या, फिर जब परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप किया था, तो क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी, नहीं थी, क्यों, क्योंकि इसने तो मिलिट्री कूप किया था। अब परवेज मुशर्रफ को पीपल ने चूज किया था, इलेक्टेड करा था, नहीं किया था, सो अब इसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट वाला जो फीचर बन के आता है, वो क्या बन के आता है, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट, मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब चलिए लिख लेते हैं, क्या इन अ डेमोक्रेसी, इन ए डेमोक्रेसी, इन ए डेमोक्रेसी, एक इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब क्या है कि इन डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में क्या फाइनल डिसीजन लिया गया, यानी कि फाइनल डिसीजन लिया गया अगर डेमोक्रेसी है वहां पे, तो कि मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड, यानी कि ये पावर थी डेमोक्रेसी की, कि जब ही डेमोक्रेसी की पावर आएगी, यानी कि डेमोक्रेसी आएगी जब पीपल अपने रूलर्स को इलेक्टेड करेंगे, जब भी वहां पे डेमोक्रेसी आती है, यानी कि गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे और वो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी बनाएगी, ठीक है, जब भी क्या आती है उस कंट्री में डेमोक्रेसी आती है। अब जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में क्या करते हैं, ज्यादातर पीपल ही इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को, राइट, सो ये क्या हो गया, ये तो फर्स्ट फीचर बन गया हमारा किसका, डेमोक्रेसी का, ठीक है। अब सेकेंड फीचर समझने से पहले हम दो कंट्री के एग्जाम्पल लेंगे, दो कंट्री कौन कौन सी, अब एक है चाइना, एक है मैक्सिको, क्या चाइना और मैक्सिको। अब चाइना में जैसे कि आपको पता है, चाइना एग्जांपल दिया हमने चाइना का, अब चाइना में जैसे कि आपको पता है कि वहां पे क्या हर 5 ईयर्स में, यहाँ पे चाइना में 5 ईयर्स में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, 5 ईयर में यहाँ इलेक्शन होते हैं, कब, 5 ईयर में, ठीक है, 5 ईयर में यहाँ इलेक्शन होते हैं, सो जब 5 ईयर में इलेक्शन होते हैं, अब चाइना में क्या है, सिर्फ एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम क्या है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी,
चाइना कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, सीसीपी यानी कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी लिख दिया है, ठीक है, सीसीपी। अब ये जो सीसीपी है यही पार्टी थी और यही जीतती थी, अब यही जीतेगी, जब एक पार्टी है तो यही जीतेगी। सो अब एग्जाम्पल मैक्सिको का, मैक्सिको में क्या है, यहाँ पे मैक्सिमो, मैक्सिको में 6 इयर्स में इलेक्शन होते थे, और ये कब से था, जब से क्या मैक्सिको, मैक्सिको आजाद हुआ था, जब से मैक्सिको से मिलिट्री गई थी, कब, 1930 में, ठीक है, 1930 में। और वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी जीतती थी, पी आर आई यानी कि इंस्टीट्यूशन रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब इस पार्टी का नाम तो उल्टा हो गया, इंस्टीट्यूशन रेवोल्यूशनरी पार्टी, अब क्या ये उल्टे काम करती होगी ये पार्टी सारा। अब क्यों, यहाँ पे एक पार्टी नहीं थी, यहाँ पे भी बहुत सारी पार्टी, सॉरी एक पार्टी नहीं थी, यहाँ पे और भी बहुत पार्टी थी, पर जब से 1930 ईयर से यही पार्टी जीतती आ रही है, यही पार्टी जीत रही है। क्यों, क्योंकि अब जो मीडिया है, मीडिया पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मीडिया जो है वो भी इस पार्टी की अच्छी बातें मीडिया दिखाती है और दूसरी पार्टी की बुरी बातें दिखाती है, ठीक है। अब स्कूल के जो टीचर है वो अपने उनके स्टूडेंट से कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से कहना कि इसी पार्टी को वोट दें, और टीचर भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए ये पार्टी मैक्सिको की यही पार्टी हर बार जीत रही थी, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है हमें, इससे जो फीचर बनता है हमारा वो क्या बनता है, आप देखिए, इससे फीचर बनता है ए डेमोक्रेसी, ए डेमोक्रेसी, ए डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन, ए डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन, एक डेमोक्रेसी बेस्ड होनी चाहिए बेस्ड ऑन फ्री और फेयर इलेक्शंस, इलेक्शन, ठीक है। एक पार्टी क्या होनी चाहिए, ये पार्टी एक फ्री और फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होती है, ठीक है, वेयर वेयर दोज करंटली, करंटली वेयर दोज करंटली, वेयर दोज करंटली, ठीक है, वेयर दोज करंटली इन पावर, ठीक है, इन पावर हैव ए फेयर, फेयर हैव ए फेयर, ठीक है, हैव ए फेयर चांस, हैव ए फेयर चांस ठीक है ऑफ लॉजिंग, ये है। अब एक डेमोक्रेसी, इन एक डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी क्या होती है, बेस्ड होती है किस पर, फ्री और फेयर इलेक्शन पर, फ्री और फेयर इलेक्शन यानी कि जो हर पार्टी है, हर पार्टी को वो इलेक्शन होने चाहिए, वे आर दोस करंटली इन पावर यानी कि करंटली यानी कि सबके पास पावर होनी चाहिए, हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉजिंग, और हर किसी के पास एक चांस होना, फेयर चांस होना चाहिए लॉजिंग का, यानी कि एक बार कोई पार्टी का लॉस हो गया, हार गई, सो उसे भी चांस मिलना चाहिए दोबारा। अब ऐसा थोड़ी है कि एक पार्टी, जैसे एक पार्टी ही जीत रही है, पीएच है चाइना में तो एक ही पार्टी थी वही जीतेगी, अब मैक्सिको में इतनी सारी पार्टी है, जब भी एक ही पार्टी जीत रही है, सो ये क्या है, फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। सो ये हमें इन दोनों एग्जाम्पल से, चाइना और मैक्सिको के, ये हमें पता चला, ठीक है। अब इसके बाद देखिए,
थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? सो थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, चलिए देखते हैं। सो ये भी एग्जाम्पल समझते हैं हम किसके, थ्री कंट्री के, एक तो साउथ अरेबिया, एक साउथ अरेबिया और इस्टोनिया, इस्टोनिया और फिजी। इन तीन कंट्री के एग्जाम्पल समझेंगे, साउथ अरेबिया, इस्टोनिया और फिजी, इनके बारे में। सो साउथ अरेबिया में, साउथ अरेबिया, इस्टोनिया, साउथ अरेबिया, इस्टोनिया और क्या बताया था मैंने, फिजी, ठीक है। अब साउथ अरेबिया जो है, ये साउथ अरेबिया में यहाँ पे क्या था, सिर्फ वुमेन ही वोट डाल सकती थी, मैं वो वुमेन वोट नहीं डाल सकती थी, सिर्फ मैन ही वोट डाल सकते हैं। अब इस्टोनिया में क्या था, यहाँ पे जो थे वो सिटीजन रूल थे, क्या सिटीजन रूल थे, क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, रशियन माइनॉरिटी थी, क्योंकि रशिया में भी क्या रहते हैं, सिटीजन रूल्स ही रहते हैं। और फिजी में क्या है, इंडिजीनियस फिजी क्या होती है, मोर पावरफुल होती है, यानी कि इंडिजियस फिजी ही ज्यादा पावर होती है उसके पास, किससे, इंडियन फिजी से। सो इंडिजीनियस फिजी जो है, जैसे मान लिया कि एक रूलर है, उसके कितने वोट है, 2000 है। अब दूसरा है, फर्स्ट और दूसरा, मान लिया कि एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ठीक है, और दूसरे के पास कितने वोट हैं, 2005 वोट मान लिया, ठीक है। अब इसके तो इसमें सबसे ज्यादा वोट किसके हैं, अब ये क्या है, ये इंडिजीनियस फिजिका है। सो किसके ज्यादा वोट हुए, इसके, क्योंकि ये क्या है, इंडिजीनियस फिजिका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिजीनियस फिजिक के ज्यादा वोट होते हैं, ठीक है, ज्यादा वोट होते हैं। अब ज्यादा पावर होता है मतलब ज्यादा वोल्ट, कम वोल्ट है तो ज्यादा वोल्ट माने जाएंगे उसके, क्योंकि क्यों माने जाएंगे ज्यादा वोल्ट, क्योंकि इंडिजीनियस फिजी ज्यादा पावर होती है, किससे, इंडियन फिजी से। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इसका इससे जो हमारा फीचर निकल के आता है वो आता है इनर डेमोक्रेसी, इनर डेमोक्रेसी। पहले मैं पूरा बता देता हूँ, इनर डेमोक्रेसी, each citizens must have one vote each। आप इसमें क्या बताया गया है, इन अ डेमोक्रेसी each citizen must have one vote, each vote must have one वैल्यू। अब इसमें क्या कहा गया है कि इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में जितने भी सिटीजन है मस्ट हैव वन वोट, उनका वन वोट है या वन से ज्यादा मोस्ट है, कितने भी जितने भी वोट है उनकी क्या वन वैल्यू ही मानी जाएगी, क्या वन वैल्यू ही मानी जाएगी, जितने भी वोट है उनकी वन वैल्यू ही मानी जाएगी, ठीक है, ये कहा गया है इसमें, ठीक है। अब देखिए कि अब ये जो पेन है थोड़ा अटक अटक के चलता है, तो इसमें हम इंक डाल के आ जाते हैं, अभी बस एक मिनट लगे आते हैं हम। सो गाइस, अब इसके बाद ये तो ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है, इसके बाद जो लास्ट, अब ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है, अब ये भी फीचर्स पढ़ लिया हमने, अब इसके बाद जो लास्ट फीचर आता है डेमोक्रेसी का वो आता है, ठीक है। अब जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, जिम्बाब्वे में एक पार्टी थी जैनू पीएफ, ठीक है, वो वहां पे जो था, वहां पर जो उसका जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट बना क्या, रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, वो वहां का प्रेसिडेंट बना, ठीक है। अब जब वो वहां का प्रेसिडेंट बन गया, राइट,
फिर उसने कहा प्यूपिल से कि प्यूपिल से उसने कहा कि ये जो है यानी कि अब क्या मैं 5 साल तक 5 इयर्स तक जो प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, और सिटीजन से पूछा उसने, ठीक है। अब जब पूछा तो जवाब क्या आया, यस आप बन सकते हैं, ठीक है। सो इससे क्या हुआ कि इससे हमारा जो फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी बन के आता है, वो आता है बन के कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट। अब यहाँ लिख लेते हैं, चलिए लिख लीजिए आप भी, ठीक है। ए डेमोक्रेटिक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विद इन लिमिट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन जन्स राइट। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसकी क्या होती है, लिमिट के साथ चलती है वो, बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। और उसकी क्या होती है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के और सिटीजन राइट के। यानी कि जब डेमोक्रेसी बननी है तो उनसे सिटीजन से पूछना चाहता है कि क्या गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है या रूलर, क्या और दिन तक हम बन सकते हैं, और इयर्स तक बन सकते हैं। सो सिटीजन से जवाब आना चाहिए। सो ये हो गया, अब एग्जाम्पल से हमने ये वाला फीचर समझ लिया। सो अब हमने जो हमारा चैप्टर था, आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, यानी कि आधे हम संख्या भी इतना सारा हो रहा है, यानी कि बहुत छोटा सा चैप्टर बचा है, अब ज्यादा कुछ नहीं बताया, ठीक है। सो हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी पढ़ लिया, अब आते हैं व्हाई डेमोक्रेसी पे। सो व्हाई डेमोक्रेसी में फर्स्ट चीज क्या दे रखी है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट जो है वो डेमोक्रेसी का अगेंस्ट है। चलिए उन्हें देखते हैं, आइए वो कौन कौन से गवर्नमेंट है, वो सॉरी आर्ग्यूमेंट्स है कौन कौन से। सो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है लीडर कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। लीडर को ये कीप करना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी में लीडर ये ध्यान रखता है कि डेमोक्रेसी में चेंज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिर क्या है, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी, यानी कि वो क्या, वो लीड करता है स्टेबिलिटी को, यानी कि वहां पे जो वहां पे चेंजिंग बदलाव लाता है डेमोक्रेसी में, राइट। फर्स्ट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये क्या है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट चाहिए। अब डेमोक्रेसी सेकंड सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी किसके लिए होता है, डेमोक्रेसी और जितनी भी डेमोक्रेसी है वो किसके लिए होती है, पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए और पावर प्ले के लिए। अब पॉलिटिकल है, अब ये सिविक्स जो है हमारी ये पॉलिटिकल है, ठीक है, इसमें तो हम डेमोक्रेसी पढ़ना है। सो ये पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए होती है डेमोक्रेसी, ठीक है, और पावर प्ले के लिए, राइट। अब फिर क्या है, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी, ये स्कोप नहीं होता है मोरलिटी का, ठीक है। दो आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, दो वो पढ़ लिया हमने आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब फिर इसके बाद आते हैं सो मैनी पीपल, थर्ड आर्ग्यूमेंट है सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड टू डिले। यानी कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं, बहुत से पीपल ऐसे होते हैं जो कंसल्टेड होते हैं इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो होती है उसमें कंसल्टेड होते हैं, डेट इट लीड टू डिले। और ये क्या, जो कंसल्ट होते हैं डेमोक्रेसी में पीपल, वो क्या लीड करते हैं, डिले, इसको डिले डिले लीड करते हैं वो, ठीक है। अब फोर्थ आर्ग्यूमेंट जो होता है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वो क्या आता है, वो आता है इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। यानी कि इलेक्टेड लीडर जो होते हैं वो बेस्ट इंटरेस्ट नहीं रखते, जो इलेक्टेड लीडर होते हैं वो बेस्ट इंटरेस्ट नहीं रखते हैं प्यूपिल से, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए वो लीड करते हैं टू बैड सिटीजन, वो बैड डिसीजन को, वो एक लीड करते हैं वो बैड डिसीजन को, यानी कि वो अच्छे रूलर्स नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें हटा दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा फिफ्थ आर्ग्यूमेंट जो आता है वो आता है डेमोक्रेसी लीड टू
करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी क्या लीड करती है? डेमोक्रेसी लीड करती है करप्शन, करप्शन क्या लीड करती है? करप्शन लीड करती है किसके बेस पर? बेस्ड होता है वो किसके बेस पर करप्शन लीड करती है? इलेक्ट्रल कंपटीशन, किसके इलेक्ट्रल कंपटीशन के बेस पर लीड करती है, राइट। अब ये हो गया जो लास्ट आर्ग्यूमेंट आता है, सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट किसके अगेंस्ट? डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। वो क्या आता है? वो आता है हमारा ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट वॉट गुड फॉर देम। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो ये नहीं देखते कि क्या किसके लिए अच्छा है और क्या बुरा है, यानी जो वो कर रहे हैं कि वो अच्छा है या नहीं है, कि वो खुद के लिए अच्छा है या खुद के लिए बुरा है, वो ये नहीं देखते ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। अब चलिए देखते हैं ये कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर गवर्नमेंट होती है, जैसे कि आपको पता है, बिकॉज इट इज अलाउ, बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि क्यों होती है ये बेहतर गवर्नमेंट? क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म होती है किसकी? गवर्नमेंट की, ठीक है, इसलिए ये बेटर गवर्नमेंट इसे कहा जाता है। अब इसके बाद जो चीज आती है हमारी, क्या इसके बाद जो हमारा वो आता है, क्या कहते हैं, इसके बाद का जो आर्ग्यूमेंट आता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए, वो क्या आता है? डज द डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या करती है? वो इम्प्रूव करती है किसको? डिसीजन को, जो बन रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। सो सेकंड आर्ग्यूमेंट ये हुआ किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। अब आते हैं हम थर्ड आर्ग्यूमेंट पर। थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है, सो चलिए थर्ड आर्ग्यूमेंट देख लें हम। थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील। अब डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है हमें, एक डेमोक्रेसी हमें देता है एक मेथड, क्या? डील करने के लिए। किसको डील कर देना है? विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं और डिफरेंसेस जो होते हैं उससे, डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से वो हमें डील करने के लिए एक मेथड देता है, प्रोवाइड करता है, देता है, कौन? डेमोक्रेसी। अब जो फोर्थ फीचर आता है, वो सॉरी फोर्थ आर्ग्यूमेंट आता है किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। वो क्या है? द डेमोक्रेसी इनहेंस द डिजिनिटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी क्या करती है? ये इनहेंस करती है डिजिनिटी ऑफ सिटीजन। सिटीजन जितने भी हैं उसकी डिजिनिटी क्या करती है? ये इनहेंस करती है। अब जो फिफ्थ आर्ग्यूमेंट आता है और लास्ट आर्ग्यूमेंट आता है वो क्या है? वो क्या है जो लास्ट आर्ग्यूमेंट आता है? लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या है ये हमारा? डेमोक्रेसी इज बेटर द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? बेटर है किससे? गवर्नमेंट की अदर फॉर्म से, बिकॉज इट्स अलाउ टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। यानी कि ये कहती है कि वो अलाउ करती है करेक्ट करने के लिए इसकी ओन मिस्टेक को। सो ये फिफ्थ आर्ग्यूमेंट ने पढ़ लिया। सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा गाइस? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। बाय।